किस तरीके से अब जश्न मनना शुरू हो गया। थोड़ी सी देर कर दी, शायद तैयारी नहीं होगी क्योंकि पता नहीं होता ना कब क्या हो जाती, इतनी हार देखी है कि अब चीजें कब बन जाती है, बदल जाती है, कहना सही नहीं। और देखिए, ठीक है, मैं कह रहा हूं कि ये जीत आई है तो इसके लिए मेहनत की है, कांग्रेस ने मेहनत की है और एंटी इनकमबेंसी भी थी, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप कांग्रेस को श्रेय देंगे, वो फैक्टर्स जो हैं उनको भी श्रेय देंगे। और दूसरा, जो मौजूदा सरकार थी, जो बीजेपी की सरकार थी, उनकी एंटी इनकम्बेंसी और उसके अंदर कौन से मुद्दे इसकी हार का वजह बने, उन पे भी चर्चा करेंगे। नम्रता, आप कुछ कह रहे थे। बिल्कुल, तस्वीरें देखिए सामने आनी शुरू हो गई हैं, जश्न का माहौल देखा जा रहा है। कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक में जश्न मना रही है कांग्रेस, ढोल नगाड़ों की थाप पर डांस हो रहा है, गाना बजाना हो रहा है। इसके अलावा मतलब जयकारे लग रही है राहुल गांधी के, खड़गे के, ये बताता है कि कांग्रेस में किस तरह की खुशी की लहर है। और सबसे बड़ी बात देखिए, रुझान अब कंप्लीटली आने शुरू हो गए हैं। लेकिन अगर मैं आपको सुबह 8 बजे की तस्वीर बताऊं, 8 बजे भी कांग्रेस ये मानकर बैठ गई थी कि जीत उसी की है। अब दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय से उसी वक्त तस्वीरें आ गई थी, अब जिस तरह से गाना बजाना हो रहा था, गुलाल उड़ाया जा रहा था। साफ कह रहे हैं कांग्रेसी कि भाई हमारी आंधी आई है, उनकी लहर चलती है, हमारी आंधी आई है और उस आंधी में सब बह गए हैं। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी बात है कांग्रेस के लिए। देखिए, जिस वक्त वो अपने वर्चस्व को तलाश रही है, राहुल गांधी पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, पूरी कांग्रेस पर सवाल उठ रहे हैं, काम काज करने के तरीके पर सवाल उठते हैं, ऐसे में कर्नाटक में जीत हासिल करना, वो भी किसी के गठबंधन के साथ नहीं बल्कि बहुमत का आंकड़ा बहुत आसानी से पार कर लेना। रुझान हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, 114 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है कांग्रेस, ये अपने आप में दिखाता है कि बल्ले बल्ले तो हो ही रही है, तो क्यों ना जश्न मनाया जाए, क्यों ना मिठाई बांटी जाए। लेकिन सेहरा किसके सिर, सबसे बड़ी बात यही है नम्रता, कि सेहरा किसके सर। और देखिए, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि अगर पिछले 2 चुनाव जहां पर कांग्रेस को जीत मिली है उन दोनों चुनावों पर आप नजर डालें, तो इससे पिछला चुनाव था हिमाचल प्रदेश और अब कर्नाटक। अगर ये आंकड़े ऐसे ही जीत में कन्वर्ट होते हैं तो दूसरा होगा कर्नाटक। और इन दोनों जगह पर कांग्रेस के अंदर जो सबसे बड़ा बदलाव था वो ये था कि आलाकमान ने कम दखल दिया, जो लोकल बॉडी है, जो प्रदेश स्तर के नेता हैं, उनको बोला कि भैया जाओ जाके काम करो, जो आप काम कर सकते हैं, जिनको टिकट देना उनको टिकट दो, मतलब कि आपने ज्यादा हस्तक्षेप नहीं किया और उसकी वजह से आप देखिए असर हुआ, वो सीट निकाल के लेके आए। और मैं आपको आज, जैसा कि मैंने जब वो चुनाव आचार संहिता लगी थी तब कहा था, वैसे मैं आज एक और कोट करता हूं यहां पर, अगर यही वाली पॉलिसी इन्होंने हरियाणा में अपना ली, हुड्डा को दे दिया सब कुछ, उनको बोला कि टिकट बांटिए, उनको बोला कि आप सर्वे सर्वा आप करिए, वो सरकार ले आएंगे हरियाणा के अंदर। ये बहुत अच्छी चीज है कि अगर आप अपनी गलतियों से सीखते हैं तो आप आगे ही बढ़ेंगे, लेकिन अगर आप एक गलती को बार बार दोहराते हैं तो वो आपकी बेवकूफी है। और कांग्रेस यही बेवकूफी पिछले कई सालों से करती आ रही है, इसीलिए कई राज्यों के चुनावों में उसे मुंह की खानी पड़ी।